हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में कक्षा दसवीं की लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वैसे हम इसमें देखो तीन पार्ट हैं, इसको हम HCF डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फॉर्मूला है भाज्य बराबर, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, इसका हमें HCF बताना है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या 225 है जो कि हमारा भाज्य का काम करेगी, और 135 जो है वो भाजक का काम करेगी। देखो, इससे पहले हम तुम्हें बताते हैं, मान के चलो कि यहाँ 21 है और हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 चौको 20, यहाँ शेषफल बचा है 1, तो इसको हम कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं हम शेषफल, और जिससे डिवाइड करते हैं भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिस संख्या में करते हैं उसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, इस तरीके से देखो, अभी हमें 135 से डिवाइड करना है 225 में। जैसे हमने छोटी क्लास में HCF निकालना सीखा था, उसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ 135 से डिवाइड करेंगे 225 में। जब 135 से हमने 225 में डिवाइड करेंगे तो ये पहले एक बार जाएगा 135, यहाँ बचेगा शून्य, और यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 में से यहाँ 3 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। फिर ये जो शेषफल बचता है ये इसका नया भाजक बन जाता है और भाज हो जाता है ये वाला, तो इसमें 135 में करेंगे। अब 90 का हम फिर टेबल पढ़ेंगे, अर्थात 90 एकम 90, और जब यहाँ 90 रहेंगे तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 13 में से 9 गया तो ये 4, तो ये फिर से एक नया भाजक बनेगा और फिर इसमें डिवाइड होगा 90 में, तो 45 दूनी 90, और भाग तब तक करेंगे जब तक शेषफल मेरा शून्य ना आ जाए, कितना शून्य। तो इसी फिर ये जो होता है लास्ट वाला भाजक, यही मेरा HCF का काम करता है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे सूत्र में, सूत्र क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य यहाँ कितना है, भाज्य है 225 और भाजक कितना है 135, और भागफल कितना, एक बार भाग किया, और तब शेषफल कितना आया था 90। अब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी कि अब भाज्य कितना है 135, तब भाजक कितना है 90, भागफल कितने बार हुआ एक बार, तब शेषफल कितना बचा 45। अब फिर से भाज हो जाएगा 90 ये वाला, और भाजक 45, भागफल 2 और शेषफल तब 0 आया, और हमें तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये भाजक ही मेरा HCF होता है, तो HCF इज इक्वल 45, यही मेरा आंसर है।
देखो बची हुई ये दो क्वेश्चंस जो हैं, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग लगाना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वैसे आ जाएंगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है लगाने का, बस डिवाइड करना है और इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन है ऐसा ही करना है। धन्यवाद, ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।